Top players in the theatre chains have decided to celebrate Friday, that is February 17th, as Pathaan Day. They have decided that every ticket of the film will be priced at ₹110 across all theatres in this chain. As per reports, Pathaan अब तक 950 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर. Interestingly, 17 फरवरी को कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की शहजादा भी रिलीज होने वाली है. अब देखना ये है कि क्या इस डिसीजन से शहजादा के कलेक्शन को फायदा होगा या नुकसान. एक्ट्रेस अनन्या पांडे नजर आई अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर की अपकमिंग वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की स्क्रीनिंग पर. इस वेब सीरीज में अनिल कपूर भी एक इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगे. एट द एंड ऑफ द स्क्रीनिंग अनन्या पांडे ने ये भी कहा दैट शी रियली लाइक द शो. द नाइट मैनेजर कल रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर. रिलीज के पहले आदित्य ने शेयर की गुड न्यूज. द नाइट मैनेजर नॉवल जिसके ऊपर ये वेब सीरीज आधारित है उसके कवर पर नजर आए आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवी तू झूठी मैं मकार के मेकर्स ने डिसाइड किया दैट फैंस अवेटेड डिजायर टू वॉच रणबीर एंड श्रद्धा इन अ सिंगल फ्रेम विल ओनली बी फुलफिल्ड ऑन 8th मार्च. ये बता दे कि तू झूठी और मैं मकार के साथ रणबीर और श्रद्धा पहली बार एक फ्रेम में एक पिक्चर में नजर आने वाले हैं. दोनों ने रिसेंटली मूवी को अलग अलग प्रमोट किया, जहां रणबीर ने मूवी को दिल्ली में प्रमोट किया, श्रद्धा नजर आई पुणे में तू झूठी और मैं मकार को प्रमोट करते हुए. एक्टर करण कुंद्रा ने कहा कि वो तेजस्वी प्रकाश से शादी करने के लिए रेडी हैं. करण ने ये तक कह दिया कि ही इज रेडी टू मैरी तेजस्वी इवन ऑन अ फिल्म सेट इन अ फिल्म सिटी. द टू फेल इन लव इन सलमान खान बिग बॉस 15 एंड हैव बीन डेटिंग सिंस देन. रूमर्स थी कि बिग बॉस 16 फेम प्रियंका चहर चौधरी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी में नजर आएंगी. हालांकि सोर्सेस के पता चला है कि ये रूमर्स एकदम गलत है. डंकी राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले हैं. सोर्सेस के मुताबिक करण अर्जुन के बाद शाहरुख खान और सलमान खान फिर से एक साथ मूवी में नजर आएंगे जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होंगे. इनफैक्ट एज पर सोर्सेस द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द टू हीरो क्रॉसओवर फिल्म फीचरिंग पठान एंड टाइगर हैज बीन लॉक्ड. सोर्सेस आल्सो रिवील दैट इट्स गोइंग टू बी टाइगर वर्सेस पठान इन द मूवी. जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2023 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं. द 10 डेज फिल्म फेस्टिवल विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 27th एंड एंड ऑन नवंबर 5, 2023. फॉर दोज हु डोंट नो, प्रियंका चोपड़ा सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल. अर्लियर इट वॉज दीपिका पादुकोण हु सैट ऑन द प्रेस्टीजियस चेयर. रिपोर्ट्स की माने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर टीकू वेट शेरू की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. जिस OTT प्लेटफॉर्म पर वो रिलीज होने वाली थी उस प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया कि नवाज की करंट पर्सनल कंट्रोवर्सीज के कारण रिलीज डेट पोस्टपोन की जाएगी. हाउएवर देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ऑन द सेम. एक्ट्रेस उर्वशी राउटेला रिक्वेस्टेड पीपल टू स्टॉप कॉलिंग हर काइली जेनर. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए उर्वशी ने कहा, आई वुड रियली रिक्वेस्ट पीपल टू स्टॉप कॉलिंग मी काइली जेनर ऑल द टाइम. इसके लिए उनको बहुत ही भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया. सोर्सेस की माने तो एक्टर अल्लू अर्जुन डिसाइडेड टू मेक हिज बर्थडे स्पेशल फॉर हिज फैंस. इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुष्पा का सेकंड पार्ट यानी पुष्पा द रूल का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज करेंगे अपनी बर्थडे पर. पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया था. फैंस आर नाउ ईगली वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने रजिस्टर की अपनी शादी समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट फहाद अहमद के साथ. स्वरा ने सोशल मीडिया पे भी किया अनाउंसमेंट एक वीडियो शेयर करते हुए. स्वरा भास्कर और फहाद अहमद के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक बोथ रजिस्टर्ड देयर मैरिज टुडे इन एन इंटीमेट सेरेमनी विद क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली. बॉलीवुड स्टार्स लाइक सोनम कपूर, दिव्या दत्ता अमंग अदर्स अटेंडेड द सेलिब्रेशन एंड द वेडिंग सेलिब्रेशंस विल कमेंस नेक्स्ट मंथ इन दिल्ली.